Good morning, good afternoon, good evening, whenever you see this video. Today I am going to take your lecture number 3 of chapter number 1 for class 9, that is matter in our surrounding. So in last lecture we have already studied about what is matter, modern classification of matter. तो ये दो टाइप का था, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर. फिजिकल नेचर के बारे में हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है इसमें स्टडी किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, और हमने इसके लिए पढ़ा डिफ्यूजन. लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया है वहाँ ब्राउन इन मोशन भी हमने इसमें स्टडी किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 3 स्टेट ये क्या, कंपेरेटिव स्टडी किया है 3 स्टेट्स का, प्रेशर ऑफ गैस जो है हमने लास्ट पढ़ा. तो टुडेज टॉपिक इज मैटर चेंजिंग इट्स फेज. तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो हमने देखा है जब हमने इसमें क्या लिया, वाटर, क्या लिया वाटर H2O, इसको हमने फ्रिज कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो ये क्या बन गया, आइस. यानी ये क्या था, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड स्टेट. आफ्टर सम टाइम आइस जो है इसको हमने ओपनली रख दिया, यानी इसको मेल्ट कर दिया, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में. किस में कन्वर्ट हो गया, आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड. अभी हमने इसको कैसा किया, हीट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको गर्म कर दिया, सॉरी. गर्म करने के बाद हमने देखा ये जैसे बीकर था, इस पर हमने गर्म किया, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, और आफ्टर सम टाइम जो पानी का लेवल था वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी पानी उड़ गया. तो ये किस फॉर्म में आ गया, वेपर, वेपर यानी गैस. तो हम बोल सकते हैं यस मैटर चेंज इट्स स्टेट. वाटर जो था उसको फ्रिज किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसको मेल्ट किया तो फिर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को बॉयल किया, यहाँ बॉयलिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, बॉयल किया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया. व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्टेट मैटर कैन बी चेंज. यहाँ पे केवल क्या वेरी करता है, काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो भी स्टेट में चेंज आएगा, और डिक्रीज होगा तब भी स्टेट के अंदर चेंज आएगा ही आएगा. तो रीज़न क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे यहाँ इंक्रीज होता है, ये आप सबको लिखना है, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज. इसके साथ साथ बोन जो है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा बोन ब्रेकिंग जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बोन ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे. साथ में इसकी स्टेट जो है, स्टेट गोज चेंज, जो स्टेट है किसी भी मैटर की वो चेंज हो जाएगी. यहाँ तक समझ में आ गया. तो ऊपर वाली जो थ्योरी थी इससे हमें समझ में आता है, स्टेट कैन बी चेंज बाय मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजिंग, वेपर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है. इसके अलावा और 2-3 स्टेप होते हैं, कभी कभी इवेपोरेशन भी हो जाता है, सब्लिमेशन भी हो जाता है. ये सारे क्या हैं, प्रोसेस हैं जिनसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैन बी चेंज, ठीक है. तो वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय 2 वेज, स्टेट ऑफ मैटर बाय टू वेज, ठीक है. 2 वेज से हम जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं. जो फर्स्ट है हमारा वो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और जो सेकंड है वो है हमारा बाय चेंजिंग प्रेशर. ये 2 कंडीशंस जो है अप्लाई करके हम स्टेट की, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. बाय चेंजिंग टेम्परेचर में या तो हम उसको हीट कर दें, और कैन बी कूल. तो हीटिंग प्रोसेस
और कूलिंग प्रोसेस जो है इसके अंडर आएंगे, और बाय चेंजिंग प्रेशर तो इसमें आएगा कंप्रेसिबिलिटी, या तो कंप्रेस ज़्यादा कर दो या कंप्रेसिबिलिटी को कम कर दो, तो प्रेशर का इफेक्ट केवल यहाँ आएगा। तो टू वेज ऐसे होंगे जिनसे हमें एक मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो आप इसको लिख लीजिए, अभी तक जो पढ़ाया वही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नोट्स डाउन करने से ज़्यादा अच्छा होगा, नोट डाउन कर लीजिए। एज यू कैन सी हेयर देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, फर्स्ट लिक्विड स्टेट, सेकंड सॉलिड स्टेट एंड थर्ड हेयर इज वेपर्स फॉर्मिंग, बट वी कैन नॉट सी द वेपर्स बाय नेकेड आइज। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, इसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस का पता लगेगा। तब तक हम लोग एक हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जो सॉलिड स्टेट होता है वाटर के लिए, ये एक एक्सेप्शन केस है वाटर के लिए। जो सॉलिड स्टेट में जब वाटर को रखते हैं हम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इंटर पार्टिकल्स, इनमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ पर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी एम्प्टी स्पेस रह जाता है, इसलिए इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। जबकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉलिड का डेंसिटी वो लिक्विड की डेंसिटी से ऑलवेज ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो 9% तक इससे कम रहता है। इसलिए ये देखा जाता है कि ये जो है वाटर में फ्लोट करती है, आइस जो है वाटर में फ्लोट करती है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ याद आ गया, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अंदर स्पेस रहता है इंटर पार्टिकल्स के बीच में, ध्यान रखना है किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो दो साइड से बनाती है, यानी ऑक्सीजन जो है चार तरीके के इसमें बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड और दो कोवेलेंट बॉन्ड, और उनसे मिला के इसके अंदर एक टेट्राहेड्रल या केज जैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाता है, और स्पेस क्रिएट होने से इसका जो डेंसिटी है पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ये पानी में फ्लोट करती है। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं थर्ड स्टेट की, जो है वेपर फॉर्म। ये देखिए दिख रहा है, ये गर्म पानी था, पानी से वेपर निकला और वही वेपर जो है कंडेंस होके किस में चेंज हो गया है, फिर से ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया है। ये क्या है? इसका थर्ड स्टेट है। क्लियर है? तो यहाँ से जो वेपर्स निकल रही हैं वो इसकी गैसेस फॉर्म है वाटर की। तो ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो हेयर इज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और इसी को एक टर्म और बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों के टर्म में, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यही क्या होता है? फ्यूजन होता है। और इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है कम होते हैं। तो ये जो है यहाँ से टेम्परेचर या हीट लेता है और लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। टेम्परेचर हीट देने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? डिक्रीज होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितने ज़्यादा हाई होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा उसका इंक्रीज होगा। या देख लेते हैं, दो सॉलिड लिए हमने, जस्ट एक एग्जाम्पल, सॉलिड ए सॉलिड बी। तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो ए का ज़्यादा है बी से, तो जो मेल्टिंग पॉइंट निकल के आएगा वो ए का ज़्यादा होगा बी से। अगर ये मानते हैं कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, तो ये कितने पर मेल्ट होगा? 90 डिग्री सेल्सियस पर ये जाके
मेल्ट होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वाटर है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज जस्ट सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो ये बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर ये दो स्टेट में रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और जो है इसके अंदर सॉलिडिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका होता है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, अबव 0 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, जस्ट एक इंटरमीडिएट स्टेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके नोट्स लिख लीजिए। मेल्टिंग देखिए, ये मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जब मैंने इसको इस तरीके से क्लोज किया तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और ये क्या हो रहा है मेल्ट। तो ये कितने डिग्री पर मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री पे। अभी मेरे जो पाम का जो टेम्परेचर है वो इस जगह पे अब 0 डिग्री हो चुका है, एकदम चिल हो चुका है। तो ये 0 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूज़न। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस है चेंजिंग द टेम्परेचर फॉर चेंज इन स्टेट्स दैट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और इसी को क्या बोलेंगे वेपराइजेशन, क्योंकि बॉयल होने के बाद ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है वेपर के अंदर। बॉयल होने से ये किस में कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर। तो वेपर का बनना है वेपराइजेशन, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, तो लिक्विड कन्वर्ट टू गैस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल स्टार्ट हो जाए एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉयलिंग। तो ये ध्यान रखना है गर्म होना नहीं बॉयलिंग होगा, बॉयल करना है यानी वहाँ से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कोई भी है ये लिक्विड है और यहाँ से गैस स्टार्ट हो जाए बबलिंग करके स्केप या आउटर सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केपिंग मोड पे आ जाए यानी निकल के बाहर जाना स्टार्ट कर दे, तो उसको कहेंगे हम लोग बॉयलिंग। तो जितने ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना ही ज़्यादा बॉयलिंग पॉइंट हाई होगा और जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे उतना ही बॉयलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये याद रखना है वाटर के लिए बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 99 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर जो है केवल गर्म होता है बॉयल नहीं होता है। जैसे ही वो 100 डिग्री पर आता है ठीक है, तो वो 100 डिग्री पर पूरी तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उसका टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन रहता है जब तक कि पूरा वाटर जो है बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यहाँ तक समझ गए हो ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम्पल में वेपर बनते हुए भी दिखा देती हूँ, इसको देख लीजिए अच्छे से तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। लिख लीजिए इसके बारे में, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना होता है केमिस्ट्री के अंदर। जितना ज़्यादा थ्योरी को पढ़ोगे, पढ़ने अच्छा है अगर पढ़ते हो तो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो थ्योरी आप खुद से अपनी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का। अभी देखिए बॉइलिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में पानी डाला है। पानी अभी ये बॉइलिंग स्टेट में नहीं आया है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभी जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इस टाइम पे जो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है ठीक है। लेटेंट हीट के लिए मैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद और अच्छे से समझाऊंगी। तो ये हीट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस होने तक, वही क्या है उसका लेटेंट हीट है। अब देखो पानी जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, आपको बबल्स इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो गए होंगे। तो इस टाइम पे जो ये टेम्परेचर है इसका वो कितना हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रोसेस जो है अब इस टाइम पे जो इसमें से बबलिंग स्टार्ट हुआ है निकलना, यानी ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इस प्रेशर पर
इस टेम्परेचर पर ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जब तक कि इस बॉल में सारे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे स्किप नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या इसको भी हम कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इफेक्ट। यहाँ टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। बाय कूलिंग इफेक्ट लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जस्ट सिमिलर होते हैं, तो वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है समझनी भी है और ध्यान रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जस्ट सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एग्जांपल वाटर, तो आइस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आइस इज मेल्टिंग पॉइंट जस्ट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? वेरी गुड, आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी आपको ये। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, बर्फ कैसी होती है मेल्ट्स, यहाँ से जैसे हमने इसको फ्रिज में रखा तो ये इसमें क्या चेंज आया। फ्रिजिंग में देख लीजिए, जब मैंने इस लिक्विड को लिक्विड कन्वर्ट इंटू सॉलिड, लिक्विड कन्वर्ट इंटू सॉलिड, ये क्या हो गया सॉलिडिफिकेशन या जिसको हम बोलते हैं फ्रिजिंग, ठीक है। फ्रिजिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पे होते हैं, तो 0 डिग्री पर ही इसमें फ्रिज होगा और 0 डिग्री पर ही ये मेल्ट फॉर्म में रहेगा। दिस इज द थर्ड प्रोसेस फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन, इसके लिए आप लोग आज घर में देखेंगे, जब आपकी मम्मी एक यूटेंसिल या बर्तन में दूध गर्म करती हैं, क्या है ये दूध है मिल्क, और ये किसका कॉम्बिनेशन होता है फैट प्लस वाटर। तो जब इसको बॉईल करने के बाद वो एक डिश से ये इसको प्लेट से कवर करके रखती हैं, तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप लोग जब इस प्लेट को उठा के देखेंगे, जब इस प्लेट को उठा के आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या होंगी, कुछ ड्रॉप्स होंगी पानी के जैसी। ये आप सब्जी पे भी कवर करके प्लेट जहाँ रखी हुई रहती है वहाँ देख सकते हैं। यानी क्या हुआ, यहाँ से जब ये बॉयल हो रहा था तो यहाँ से वाटर वेपर जो है वो बाहर निकले, वाटर वेपर जो है बाहर एस्केप नहीं कर पाई क्योंकि प्लेट लगा हुआ था, तो ये इससे टकरा गई यहाँ पर। टकराने के बाद जैसे ही, क्योंकि गैस तो ऑफ हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो जैसे ही हमने गैस को ऑफ किया, फ्लेम को ऑफ किया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ गया, और कूलिंग इफेक्ट के साथ जो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, वेपर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जो प्लेट पे हमें जो ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, उल्टी ढकी हुई प्लेट पर जो हमें ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, वो क्या है, वेपर से लिक्विड स्टेट में आई है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड एज कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, देन इट्स पार्टिकल लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट देयर मूवमेंट गेट स्लो डाउन। इनका जो मूवमेंट है वो गेट स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टूगेदर अंटिल दे स्टार्ट बींग अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ लिक्विड। मूविंग इनका कम हो गया तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर फॉर्म जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? तो ये होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के एग्जांपल आप नोट्स लिखते रहिए, उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ।
ये स्टेट है बॉइलिंग, इसमें देखो वाटर जो है वो गर्म है, बॉइल होके वेपर बना रहा है, ठीक है। तो ये बॉइल हुआ, बॉइल होके यहाँ से इसकी जो लेयर थी, यहाँ से मॉलिक्यूल जो एस्केप हुए, एस्केप होने के बाद कहाँ इकट्ठे किए मैंने, प्लेट पर। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इनको इकट्ठा किया ताकि मैं ये देख पाऊँ कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो एस्केप हुए या नहीं हुए। तो ये क्या है, 100 डिग्री पर यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, इस तरह से ड्रॉपलेट, अगर हम लोग इसको लेना चाहें तो, नहीं तो एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉयलिंग, यही ड्रॉपलेट्स वो ड्रॉपलेट्स हैं जो कंडेंसेशन के थ्रू बनी है, यानी कि इस बॉयलिंग होने के बाद इस प्लेट के ऊपर टेम्परेचर जो है डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स का कम हुआ, जिसके बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ क्लोज होने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, ड्रॉपलेट्स जो कि प्लेट पे शो हो रही है। द फिफ्थ मेथड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर। तो ये बीच में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट चेंज इन लिक्विड। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, ठीक है, यानी हीटिंग का मतलब हो गया यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ध्यान रखोगे, हीटिंग तो सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू वेपर, इसको कहेंगे हीटिंग प्रोसेस, और वेपर्स का डायरेक्ट सॉलिड में जाना यानी कूलिंग, यानी कूलिंग प्रोसेस। तो दोनों ही प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। दोनों ही प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। इज इट क्लियर, गुड। तो इसकी जो एग्जांपल है वो देखो, हमारे एक एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। एक पेट्री डिश ली हुई है, लैब में मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ये इसलिए ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, मेरा ड्राइंग बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नज़र मत लगा देना इस ड्राइंग के। इधर देखिए, तो यहाँ पेट्री डिश लिया हमने, इसमें डाला है नेफ्थलीन, या यूँ मान लेते हैं नेफ्थलीन, तो हम लोग आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, जिसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड लिया। ये वाइट क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वाइट कलर का क्रिस्टल लाइक पाउडर जैसा भी होता है। देखो अमोनियम क्लोराइड जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ठीक है। यहां लिया हमने अमोनियम क्लोराइड और इसके ऊपर रख दिया हमने फनल, क्या रखा, फनल, और यहाँ पर जो है हमने कॉटन का क्लोज लगा दिया या फिर कॉर्क लगा दिया, यानी यहाँ से जो ये जब ये हीट हो तो ये बाहर ना निकले, इसके लिए यहाँ पे हमने एक क्लोज बटन या क्लोज करने के लिए कॉटन का यूज़ किया है। तो जैसे हमने बर्नर स्टार्ट किया यहाँ पर, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अब हमें कैसे पता चला ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये यहाँ जाके ना इस तरीके से कॉटन की तरह इकट्ठा हो गया, बहुत सुंदर क्रिस्टल लाइक निडल लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन गए इसके, कॉटन की तरह बहुत सॉफ्ट। तो जैसे ही हमने इसको उल्टा करके देखा फनल को कुछ टाइम के बाद, तो हमने यहाँ पे इस तरीके का रुई के जैसा बहुत ही सॉफ्ट जो है क्रिस्टल्स जो है फॉर्म हुए अमोनियम क्लोराइड के। तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, यानी कि ये वेपर में कन्वर्ट हुआ है और फिर यहाँ से ये कूलिंग इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाया तो ये यहाँ इकट्ठा हो गया है। तो सब्लिमेशन में ध्यान रखना है, सॉलिड से वेपर बनेगा हीटिंग प्रोसेस से, इसको भी हम सब्लिमेशन कहेंगे, वेपर से सॉलिड बनेगा कूलिंग मेथड से, इसे भी हम कूलिंग सब्लिमेशन ही कहेंगे। तो सॉलिड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर टू सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया अमोनियम क्लोराइड के लिए। इसके अलावा देखो और भी एग्जांपल होते हैं, आयोडीन होता है, आयोडीन, कैम्फर, ये सभी के घर में मिलेगा, कपूर की गोलियां मम्मी कपड़ों के अंदर रखती है ना, कुछ टाइम बाद आप लोग देखोगे
कैम्फर होता है, नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन बॉल्स तो सभी के घर में है, सॉरी कैम्फर नहीं, नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो सभी के घर में होती है, कैम्फर भी वही इसी का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ड्राई आइस ये सब, ये मोस्टली जो है घर में यूज किया जाने वाला एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं घर में भी आपके मिलती हैं, और कपूर जिसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो भी यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, घर में ही मिलेगा, यहाँ से मतलब घर में मिलेगा। क्लियर, गुड। ध्यान रखनी है एक चीज़, यहाँ ध्यान रखनी है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर या गैस जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ इस सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, सबलाइम, क्या कहेंगे, सबलाइम, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में। यहाँ जो प्रोसेस यूज हुआ वो प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन, क्लियर। और जो गैस यानी जो प्रोडक्ट बन के आया उसे कहेंगे हम लोग सब्लिमेट। तो कई बार इनको भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ ले जाती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। क्लियर है, गुड। इसकी एग्जाम्पल सो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस में इस तरीके से बॉल्स होती हैं, देखो नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये आपको एग्जाम्पल मैंने बताया है। इसमें नेफ्थलीन बॉल्स मार्केट में इसी नाम से अवेलेबल भी होती हैं। इनको हम लोग अलमीरा में या हमारे जहाँ पे भी कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस जगह पे हम लोग रख देते हैं, तो इसकी जो स्मेल निकल के आता है उससे कीड़े वगैरह जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, यानी उस जगह पे कीड़ा नहीं लगेगा। तो जैसे हम इसको रखते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद यानी 15 से 20 दिन के बाद इसका जो साइज़ है वो छोटा होने लग जाता है। जैसे ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये फ्रेश है, इसका इतना बड़ा साइज़ है और ये 15 से 20 दिन में इस साइज़ में आ गया है। ठीक है, तो ये लिक्विड में चेंज हुए बिना किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में। जो उसकी इसके कन्वर्जन को किस तरीके से फील किया जाता है कि इसकी स्मेल को लेकर, कि जैसे हम कबर्ड को खोलते हैं तो इसका स्मेल आता है, इसका मतलब ये जो है किस में चेंज हो गया है, गैसेस फॉर्म में। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैंने बोला वो था कैम्फर यानी कि कपूर। ये भी देखो, इसको मैं आपको बर्न करके दिखाती हूँ, ये बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज होगा, डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में। देखो ये मैचस्टिक दूर कर दिया, अब ये देखो ये डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज हो गया है, गैसेस में डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए, तो ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन के लिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड द चेंजेज इन अ स्टेट बाय ड्राइंग अ ट्राइंगल। जितने भी स्टेट हम जिस स्टेट कन्वर्जन प्रोसेस जो हमने अभी स्टडी किए वो सभी हम एक ट्राइंगल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीन स्टेट हमने स्टडी किया है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। मैं यहाँ इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि मैं आपको रिटर्न नोट्स फिर शो कर दूंगी, तो आप उसमें आराम से लिख लेना, हमें केवल समझ लीजिए। लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। पढ़ क्या है, मेल्टिंग और फ्यूजन, यही कहते हैं। और यही कहते हैं तो आप, और जिसको नहीं पता है तो वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे वीडियो को। लिक्विड टू गैस वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन, और बॉइलिंग। ठीक है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको जस्ट कहते हैं हम लोग कूलिंग, क्या कहेंगे, कूलिंग। अब चलते हैं जस्ट रिवर्स, सॉलिड टू गैस, तो सॉलिड टू गैस
देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड, गैस टू लिक्विड, यानी गैस जो है ठंडी होके किस में आ रही है, वेपर फॉर्म में आ रही है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में आ रही है, वेपर फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, तो इसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड, तो हम इसे कहेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? देखो सॉलिड टू लिक्विड, एक यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करना हुआ हमें, लिक्विड टू गैस यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन गैस टू सॉलिड जब जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। सॉलिड टू गैस आएगा तो भी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, गैस टू लिक्विड जाएगा तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देना होगा, और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो भी हमें कूलिंग इफेक्ट देना होगा। तो हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मेथड पढ़ा था वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय टू वेज, ठीक है। तो टू मेथड्स थे यहाँ, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो चेंजिंग टेम्परेचर में क्या था? चेंजिंग टेम्परेचर में दो इफेक्ट थे, हीटिंग एंड कूलिंग। अभी देखिए हमने पूरे ट्रायंगल को करने के लिए केवल यहाँ पे दो ही वेज यूज़ किया, दो ही मेथड हमने यहाँ यूज़ किया, हीटिंग और कूलिंग बाय चेंजिंग अ टेम्परेचर। इट इज़ क्लियर? ओके। गुड। सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में आने वाला क्वेश्चन है ये हमने लिया बर्नर, इस पे रखा हमने बीकर, ठीक है। इसमें हमने लिया वाटर। क्लियर? जब हमने इसको हीट करने स्टार्ट किया, हमने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ले लिया है थर्मामीटर, 27 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग रहते हैं, रूम पे इतना ही टेम्परेचर रहता है लैब के अंदर। तो जैसे जैसे हमने इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, 25 to 27, 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रूम में रहता है, तो जैसे ही हमने इस टेम्परेचर को यहाँ से बॉयल करने से पानी को स्टार्ट किया, तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, और ये इंक्रीज़ हुआ लास्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये टेम्परेचर रेज हो रहा है, यहाँ से राइज अप हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन तब उसके बाद ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया तब तक जब तक कि इस बीकर में प्रेजेंट पूरा जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया, ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो गया। तो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक भी तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ हीट गई, ये हीट कहाँ गई? ये हीट कहाँ गई, या इस हीट को क्या कहेंगे? व्हेन वी हीट आ 100 ml ऑफ सॉरी व्हेन वी हीट आ 100 ml फिल्ड वाटर बीकर, we increase the temperature with time but water get not boiled till then temperature raise at 100 degree celsius and burner continuously on but temperature of water not increasing above 100 degree celsius when all water boil complete same thing has done when ice melt। ek beaker liya, iske andar humne kya liya, आइस क्यूब्स, ठीक है। एज मोर हीट इज गिवन, अगर हम इसको हीट देते हैं, कैसे भी करके हीट देते हैं, तो आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर बट द टेम्परेचर रीडिंग रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो टेम्परेचर जो हम इसको मेल्ट करने के लिए दे रहे हैं, इसको हीट करने के लिए दे रहे हैं 100 डिग्री, 27 to 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो कहाँ गया? और यहाँ ये बोला जाता है 0 डिग्री से 27 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो कहाँ गया?
तो इसको बोलते हैं हिडन एनर्जी। क्या कहेंगे? हिडन एनर्जी, ये दिखती नहीं है, छिपी हुई है, हिडन एनर्जी, ठीक है, समझे, ये दिखाई नहीं देती है, ये छिपी हुई है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या है ये? हिडन एनर्जी है, और इसी को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो यहाँ होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ जो टर्म यूज होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? हिडन एनर्जी होता है, तो जितना 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको बॉयल करने के लिए जितना बीच में हमने जितना भी एनर्जी दिया ना, वो सारा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो दिखता भी नहीं है, और बॉयल होने तक वो एनर्जी जो है इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ एब्जॉर्ब होता रहता है। सेम थिंग यहाँ हैपन होगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, इसके नोट्स लिख लीजिए। क्लियर? गुड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट जो एक प्रोसेस लेंगे वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं हमने कोई लिक्विड लिया, इसे हमने किस पे रखा? बर्नर पे, फ्लेम स्टार्ट कर दिया। ये कोई भी लिक्विड रखा, इस लिक्विड का टेम्परेचर, या जिसको बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट सपोज एक्स डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया बॉइलिंग, तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि सरफेस फिनोमिना हमने इसको बोला है। तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इनका एस्केपिंग टेंडेंसी एज कम्पेयर टू लोअर पार्टिकल्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट दे केम आउट, या सरफेस पार्टिकल्स केम आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एज इवेपोरेशन। सरफेस पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स, सरफेस पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द स्केप, एंड द स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक पानी का मग लेंगे और इस मग को बाहर रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे अब पानी बॉयल नहीं होगा, लेकिन पानी का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, ऊपर जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वो सब क्या हो गए? इवेपोरेट। बाहर आज आप नहाए होंगे, तो आपने जब कपड़े सुखाए होंगे बाहर, कपड़े, टी शर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका पैंट, ये जब आपने बाहर सुखाया होगा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, इनके सरफेस पे जितने भी वाटर पार्टिकल्स थे वो सारे क्या हो गए? क्या आपका कपड़े बॉयल हुए? नहीं ना। तो उस बॉयलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर ही पानी जो है वो बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या हो गया ये? इवेपोरेशन। इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, इसका नाम सोहन है, इस सोहन के हाथ पे जो है बहुत पसीना आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पसीना। तो ये कुछ टाइम बाद ये पसीना जैसे ही ये पंखे में बैठता है, नीचे फैन के नीचे बैठेगा, ठीक है, मेरा ड्राइंग इतना सुंदर है कि अगर मैं नाम नहीं लिखूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फैन है। ये जैसे ही फैन के नीचे आएगा, इसका जो स्वेट है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? ड्राई, यानी कि यहाँ से पसीना इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्वेटिंग, अब ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट भी देता है। कैसे देता है? कि ये आसपास की हीट, जैसे इसके हाथ पे, ये ठीक है, ये इसका हाथ है,
इसके ऊपर इसका पसीना आया हुआ है, इस पसीने के चारों तरफ क्या है, एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एनर्जी को ये लेगा, लिक्विड जो है एनर्जी को गेन करेगा, और यहाँ से इस एनर्जी से एनर्जी लेके ये लिक्विड कहाँ हो जाएगा, इवेपोरेट। कैसे हो जाएगा, इवेपोरेट। तो इसने आसपास की हीट को एब्जॉर्व करके ये इवेपोरेट हो गया, तो आसपास हीट का जो अमाउंट था वो कम हो गया, और हीट के अमाउंट के कम होने की वजह से हमको ठंडा फील होता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन कैसा देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो स्वेटिंग, और इसी तरीके से जो मटका होता है ना जिसमें हम लोग पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में, तो उसमें भी पानी ठंडा रहता है, तो उसका रीज़न भी यही है कि उस मटके में इवेपोरेशन प्रोसेस जो है, ये रहा मटका, इसके अंदर बाहर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, बहुत छोटे, टाइनी टाइनी होल, बिल्कुल छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है। इन होल्स से क्या प्रोसेस चलता रहता है, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन की वजह से इसके जो आसपास की हीट है वो तो इवेपोरेशन प्रोसेस में काम में आ जाती है, तो हीट का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, इसलिए इस मटके का पानी जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से देखो, हम लोग जब घर में ठंडा पानी पीते हैं बोतल का, लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, ये गिलास ले लिया है मैंने बोतल में, बोतल से डाल के पानी, देखो बोतल भी देख लो तुम मेरा, हाँ बोतल से पानी जो है मैंने इस गिलास में डाल लिया, आफ्टर सम टाइम इस गिलास पे आप लोग बाहर जो है ड्रॉपलेट्स देखेंगे, ये ड्रॉपलेट्स के पानी के अंदर से आई नहीं, ये कहां से आई है, बाहर से। ये वाटर, ये वेपर्स कहां से, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर्स है, जो इवेपोरेशन के थ्रू जब यहां पे क्या होता है, एनर्जी का अमाउंट या हीट का अमाउंट कम हो जाता है, तो यहाँ हीट जैसे ही कम होगा तो ये कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएगी, जो वाटर वेपर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनका डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से ये कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होके ग्लास के ऊपर, ग्लास के बाहर की साइड जाके ये गिर जाएगी या जमने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक इवेपोरेशन का ही एग्जाम्पल है। सी सॉल्ट जो हम फॉर्म करते हैं, सी सॉल्ट, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, इवेपोरेशन का। देखो, कपड़े सुखाना, मटके का पानी ठंडा रहना, स्वेट के थ्रू हमें कूलिंग इफेक्ट आना, और ग्लास के ऊपर वाटर वेपर्स का कलेक्ट करना, ये सब क्या है, इवेपोरेशन के इफेक्ट है, इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्लियर है। वाटर वेपर, अब यहाँ से वाटर वेपर कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर भी कहाँ से आती है, वेपर्स कम्स फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टू, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ से होता है, प्लांट्स में, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लीफ। जब इसके पास यहाँ से वाटर और मिनरल बाय रूट, सॉरी फ्रॉम रूट टू लीव्स तक जाता है, तो ये एक पाइप लाइन, जो जाइलम होते हैं पाइप की तरह, उनके थ्रू ये जाता है, और यहाँ पे पानी का अमाउंट अगर एक्सेस हो जाता है, तो दिन के अंदर जो सन जो है वो इस पानी को यहाँ के जो स्टोमेटा होते हैं उनसे बाहर खींच लेता है, और ये सब कहाँ इकट्ठा हो जाता है, पानी एनवायरनमेंट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस थे एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आपने कितने सारे प्रोसेस पढ़ लिए हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग, बॉयलिंग, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर इवेपोरेशन। तो 6 to 7 ये आपके पास प्रोसेस हो गए, इनको अच्छे से याद करना है, समझना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे
फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी तक हमने थ्री स्टेट पढ़ी है, लेकिन ये टोटल स्टेट कितनी होती है? फाइव. अब दो स्टेट और मैटर की आई हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. नाइन्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो हम उसको इतना पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर.